Hello students, we will discuss about the reproduction in plant. Chapter 9 है class 7 की. So I discuss this chapter reproduction in plant. पहले आप तो ये जानिए बेटा कि reproduction होता क्या है. Reproduction means होता है प्रजनन. प्रजनन का मतलब है कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करना यानी प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. और सभी प्लांट्स हों या एनिमल्स हों इनकी लाइफ प्रयत्न ये प्रक्रिया चलती रहती है कि अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं और एक लाइफ चक्र चलने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है यानी डेड हो जाते हैं. और जो उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं या न्यू एनिमल्स को जन्म देते हैं. तो इस प्रकार से एक लाइफ स्पेन यानी एक पूरी प्रक्रिया चलती है. इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो वी हैव डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर को और इस चैप्टर को आप देखिए. मैं एक्सप्लेनेशन इसका बताऊँगी कि ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ स्पेन. सो वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट. देखिए एक्सप्लेनेशन है आपका. आर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लाइफ स्पेन आफ्टर विच दे डाई. आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवित प्राणी. लिविंग मतलब जो जीवित हैं. जीवित प्राणी हैव ए लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन मतलब जीवन चक्र यानी उनकी जो जीवन की पूरी प्रक्रिया होती है आफ्टर विच जो कि दे डाई उनके मरने तक चलती रहती है. नो ऑर्गेनिज्म लाइफ फॉर एवर. नो ऑर्गेनिज्म कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव जीवित नहीं रहते हैं. फॉर एवर हमेशा सदा के लिए. फॉर एवर मतलब हमेशा यानी सदा के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहते हैं. हाउ एवर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स बिफोर दे डाई. हाउ एवर जैसा कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी जीवित प्राणी आर एबल टू प्रोड्यूस मोर आफ्टर देयर ओन काइंड्स. एबल टू यानी सक्षम होते हैं उत्पन्न करने में मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स बिफोर दे डाई. जब वे मरते नहीं हैं डाई नहीं होते हैं तब तक वे अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस इज ए कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये एबिलिटी यानी ये जो एबिलिटी यानी सक्षमता होती है प्रोड्यूस करने की ये सभी कॉमन करेक्टर्स ये सभी लक्षण जो होते हैं उनके वे सभी ऑल ऑर्गेनिज्म के सेम होते हैं. द प्रोसेस यह प्रक्रिया बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड्स इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. तो द प्रोसेस यानी ऐसी प्रक्रिया बाय विच जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस उत्पन्न कर सकते हैं मोर ऑफ देयर ओन काइंड अपने जैसे प्राणियों को जीवित करने की जो उनकी क्वालिटी होती है सक्षमता होती है इज नोन एज रिप्रोडक्शन. द डिटेल्स मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज हाउ वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द डिटेल्स हम इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे और सभी मैकेनिज्म के ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें और यूज़ होती हैं उनका डिटेल्स हम इसमें जानेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग यानी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं. सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू familiarize ourselves with the details of this process of plant. Let us चलिए हम पहले तो ये जान लें कि जितने भी familiars होते हैं ourselves जो स्वयं से ही मतलब जिनमें ये reproduction की क्रिया होती है ये process होता है जिन plant में उस पहले plant के बारे में कुछ हम जान लेते हैं. How do प्लांट्स रिप्रोड्यूस किस प्रकार से कोई प्लांट इज क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस किस प्रकार से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड बिफोर वी स्टडी दिस
ये हम पहले भी इसका अध्ययन कर चुके हैं कि लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम ये पढ़ चुके हैं, मतलब हमने स्टडी किया है इससे पहले ही कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, प्लांट जो फ्लावरिंग यानी जिनमें फूल उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये इसके पहले वाले हमने क्लास में यानी सिक्स क्लास में ये स्टडी कर चुके हैं ये कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के। देखिए रूट्स, ये आपकी रूट्स हो गए, एक होता है बिलो द सॉयल एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका अबव द सॉयल। तो बिलो द सॉयल जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, और इसके ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो है आपका लीफ है, स्टेम है, और जो है फ्लावर्स हैं और बड्स है, ये सब पार्ट्स जो होते हैं वो प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके। कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स हुए, रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, एंड लीव्स आर नोन एज द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पार्ट्स यानी कि जो एक फ्लावरिंग प्लांट के जो पार्ट होते हैं यानी रूट है, स्टेम्स है और लीव्स है, ये सब इन सब से मैंने इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था चैप्टर सिक्स में, वो क्लास सिक्स में कि पार्ट, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव होते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है जो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं, इनसे नए प्लांट को उत्पन्न किया जा सकते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो रूट के सिस्टम से ही न्यू ग्रो करते हैं, और कुछ होते हैं जो स्टेम लगा दो तो फिर नया प्लांट आ जाता है, और किसी किसी प्लांट में होता है लीफ से ही नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें हम अब वो स्टडी कर चुके हैं। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनके हर पार्ट से हम नए पौधों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के। तो वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जो ग्रो कर सकते हैं नए प्लांट में। तो इट इज़ द फ्लावर्स दैट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पर इसमें जो फ्लावर है ये पार्ट जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी किसी भी प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो फ्लावरिंग प्लांट के ये फ्लावर जो होते हैं यही इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और जिससे ये ज्वाइंट होकर रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। तो ये सब चीज़ें में हम अध्ययन कर चुके हैं, और फिलहाल अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच कंटेन्स सीड, व्हेन सीड जर्मिनेट दे फॉर न्यू प्लांट। पहले क्या होता है कि फ्लावर चेंज होता है फ्रूट्स में, यानी ये फ्लावर जो होते हैं ये सूख जाते हैं, उसके बाद इससे फ्रूट बनता है, और फ्रूट्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, और इन सीड्स को अगर हम सॉइल्स में इसको दबा देते हैं तो फिर से ये जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू प्लांट में। ये तो हमें पता ही है कि हाँ ऐसा ही होता है कि फ्लावर्स जो बीज होते हैं, बीज से नए पौधे उगते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि प्लांट्स में किस प्रकार कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, इसके लिए अब हम स्टडी करेंगे। तो द मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप्स। देखिए जो प्लांट्स होते हैं इनमें टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, यानी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होगा वो टू टाइप से है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। देखिए कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए असेक्सुअल मतलब जिसमें कोई सेक्स ना हो, यानी सेक्सुअल कोई रिप्रोडक्शन उसमें क्रिया ना, इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही प्लांट्स से एक
कि प्लांट है और उसमें कोई ऐसा नहीं मेल और फीमेल गैमेट्स की आ सकता है, इसमें एक ही प्लांट से कि एक ही पार्ट से ही नए प्लांट को उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि लिखा है इसमें कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एन इंडिविजुअल यानी कि ओनली वन इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल ही इसमें आवश्यक है, इसमें किसी दूसरे इंडिविजुअल की आवश्यकता नहीं है। देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल कह रहे हैं कि विदाउट बिना दूसरे इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट के ही ये प्रक्रिया होती है सेम स्पीसीज एक जैसी जाति में। तो द डिविजन्स ऑफ ए बैक्टीरिया सेल्स, जैसा कि बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया के सेल्स में डिवीज़न होता है, इन टू डॉटर सेल्स वे बढ़ जाते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये टू प्रकार के सेल्स में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि ये इस प्रकार से टू सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और दो से फिर ये अलग अलग होकर ये टू प्रकार के इंडिविजुअल यानी कि बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया डिवाइड हो गया टू हिस्से में, यानी उसके सेल्स अंदर के डिवाइड हो जाते हैं, बाद में ये जहाँ से ये ज्वाइंट होते हैं ये ज्वाइंट से अलग हो जाते हैं, अलग होकर टू बैक्टीरिया यानी कि दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें किस में मिलता है देखने को, ये हमें बैक्टीरिया में मिलता है, जैसा कि आपको अभी मैंने डायग्राम में दिखाया। इनटू टू डॉटर सेल्स, इसकी टू डॉटर सेल्स बनती है, ये देखिए टू डॉटर सेल्स, ये डॉटर सेल्स है, डॉटर सेल्स में बन जाते हैं। इज एन एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट हाउएवर लिमिटेड टू सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट, इसमें कोई इस प्रकार के रिप्रोडक्शंस में कोई वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल सेल्स से कितने रिप्रोड्यूस यानी कितने डॉटर सेल्स बन सकती हैं। मोस्ट प्लांट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से जिस प्रकार बैक्टीरिया में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, जैसे कि है आपका जो है इस प्रकार का रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये बैक्टीरिया के अलावा ईस्ट में भी होता है, और जो है क्या कहते हैं स्पायरोगायरा, ये एल्गी होते हैं, कुछ एल्गीज होती हैं, एल्गीज में भी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल अभी आप उनके बारे में नहीं जानते हैं बहुत एल्गी के बारे में, पर हम इसमें ईस्ट का एग्जांपल यानी एक एग्जांपल हम देखेंगे ईस्ट का कि ईस्ट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और वो किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दिखाते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए हाउ डज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह के, लेट अस फाइंड आउट। इसमें हम सबसे पहले ईस्ट का एग्जांपल देखते हैं, यानी कि एग्जांपल देखेंगे एक बडिंग, सबसे पहली प्रक्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है बडिंग। बडिंग यानी इसका मतलब यह कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी कई प्रकार से होता है, तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन इसमें बता रहा है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कली, बड क्या होता है, कली होता है, ये आपको पता ही है कि जो छोटी छोटी सी कलियां निकलती हैं फूलों में उसी को बडिंग कहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी एग्जांपल आपका है, जैसे कि है ईस्ट खमीर बनता है तो उसमें ये जीव होता है, तो इस प्रकार के जीव में एक छोटी सी कलियां निकल आती, मान लीजिए ये जीव है और इस जीव की अगर यहाँ पर छोटा सा ऐसा उभार सा आ जाए यानी इस प्रकार से कोई हिस्सा ऐसे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका बड्स हो जाएगा यानी कलियां हो जाती हैं, और इसमें से जो सेल्स पार्ट्स होते हैं वो थोड़े बहुत उसमें भी आ जाते हैं, तो ये कलियां जो है डिवाइड होकर अलग हो जाती है।
और इसी से नए जो है डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो ये ईस्ट में हम देखते हैं कि क्या है, ये एक पहले हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि एक पैरेंट सेल्स है, यानी एक ये पैरेंट सेल्स है ईस्ट का। ईस्ट के पैरेंट सेल से देखिए यहाँ से साइड से एक बर्ड्स निकल रही है, देखिए ये कली, यानी कली क्या, उभार सा एक हिस्सा, एक उभरा हुआ हिस्सा। तो ये पैरेंट सेल से एक उभरा हुआ हिस्सा है निकलता है, और इसके जो अंदर की न्यूक्लियस और ये सब पार्ट्स होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े ऐसे करके डिवाइड होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे से ये जो बर्ड्स अलग हुए हैं ये अलग होने लगते हैं, यानी इसका जो जॉइंट का हिस्सा होता है वो कम होने लगता है, और कम होकर ये एकदम क्लोज्ड हो जाते हैं, और क्लोज्ड होने के बाद ये अलग हो जाता है पार्ट, और ये पार्ट अलग हो जाता है, तो ये डॉटर सेल्स बन जाती है, यानी बर्ड्स अलग होकर न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हमने अभी आपको बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि नया प्लांट एक पेरेंट्स सेल से छोटी छोटी सी कलियाँ निकल कर और अलग अलग दो डॉटर सेल्स यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी नए प्लांट को उत्पन्न कर देती हैं। तो इस प्रकार की यानी बर्ड्स निकल कर अगर नए प्लांट्स का उत्पन्न हो जाना ही ये आपका बडिंग कहलाता है। देखिए सम ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, अभी एग्जांपल में देखिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे ईस्ट है प्रोड्यूस्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग, जो ईस्ट होता है ये बडिंग के थ्रू से ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यू नाउ द ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमें ये जानकारी है कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है कौन, ईस्ट। टू प्रोड्यूस असेक्सुअली इट प्रोड्यूस एन आउट ग्रोथ कॉल्ड ए बड, ये प्रोड्यूस करते हैं छोटा सा उभार, आउट ग्रोथ यानी बाहर की तरफ एक उभार निकालते हैं, इसी को बड कहते हैं। द न्यूक्लियस इन द ईस्ट, ईस्ट के अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका है न्यूक्लियस। तो वही कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इन द ईस्ट सेल, ईस्ट के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है आल्सो डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ये डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई में। डिवाइड होने के बाद फिर ये क्या करते हैं, आउट ऑफ दिस वन न्यूक्लियाई रिमेनिंग इन द पैरेंट, एक न्यूक्लियस का हिस्सा जो होगा वो पैरेंट सेल्स में ही रह जाएगा, और दूसरे न्यूक्लियस का जो पार्ट होगा जो डिवाइड होने के बाद दूसरा है मूव टू अनदर बर्ड्स, वो बर्ड्स की तरफ मूव कर जाएगा। एंड द बर्ड्स में ग्रो, ये जो कलिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर जाती हैं, एंड गेट डॉटर फ्रॉम द पैरेंट सेल, और फिर ये पैरेंट सेल्स से अलग हो जाती हैं ये डॉटर सेल्स। एंड समटाइम्स अनदर बर्ड्स अराइजेज, और कुछ समय के बाद एक और दूसरी सेल्स इस प्रकार से इसमें अराइज होती है, यानी निकलती दूसरी कलिकाएँ निकलती हैं, एंड फ्रॉम द फर्स्ट बर्ड एंड सून ए चेन ऑफ बर्ड्स गेट्स फॉर्म्ड, इस प्रकार से एक बर्ड्स की चेन बनती जाती है। ये देखिए ये इस प्रकार से ये निकला था, यहाँ से निकलने के बाद इसके न्यूक्लियस का भी बंटवारा हो गया, उसके बाद फिर से ये एक और उभार सा बन जाता है। तो इस प्रकार ये बढ़ती रहती हैं और एक चेन सा बन जाता है, जिसको कहते हैं कि दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इस प्रकार से बहुत कम समय में ही एक पेरेंट सेल्स से बहुत सारे डॉटर्स ईस्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इसी क्रिया को ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये टाइप्स है बडिंग, बडिंग का ये एग्जांपल है आपका ईस्ट। ईस्ट में बर्ड्स के द्वारा क्रिया होती है, यानी बर्ड्स निकलते हैं और नए पेरेंट्स सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं, और फिर ये नए ईस्ट को बनाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ी से ये क्रिया होती है जो फर्मेंटेशन में यूज़ की जाती है। फर्मेंटेशन में बहुत तेज़ी के साथ ये बनते जाते हैं, एक चेन बनता जाता है, और जिससे हमारा ईस्ट यानी खमीर बनता है। तो ये ईस्ट जो है खमीर बनाने में, और या तो जो है इडली और डोसा के पेस्ट में ये को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नाउ टुडे डिस्कस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के का ये जो पार्ट्स है कि किस पर कितने प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें मैंने बडिंग्स का स्टडी किया है। अब यस्टरडे को
हम इसके और आगे के डिफरेंट किस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स आप हमारे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और इसको अगर स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इसकी पूरी पूरी जो है मैं एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ और साथ में समझाते भी चल रही हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।